गाइस सुना, आज अभी हम लोग मेंसुरेशन का फाइनल क्लास करेंगे, ठीक है? लास्ट क्लास होगा ये। इसमें कुछ कुछ चीजों पे मैं दोबारा आऊंगा। जैसे कि मैं एक बार क्विकली बता देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया है। हम लोगों ने स्क्वायर खत्म किया, रोम्बस खत्म किया, रेक्टेंगल खत्म किया, पैरेललोग्राम खत्म किया, ट्रेपीजियम को खत्म किया, देन सर्कल को खत्म किया, फिर ट्राइंगल्स को खत्म किया। टोटल 7 फिगर्स को खत्म किया है। टोटल कितने फिगर्स को खत्म किया है? 7 फिगर्स को। अब ये बात सच है कि इसके अंदर में फिर 4 है। इसके अंदर में कितना ठो है? 4। तो समझ में आ रहा है कितना ड्राइंग जा रहा है? अभी करीबन 10 फिगर्स हो चुका है। इसके अंदर 4 और इधर 6, कितना हो गया? 6 × 4 कितना हो गया? 10। टोटल 10 किस्म का डायग्राम्स को हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक है? इसका नोट्स अच्छे से बना लेना, क्योंकि टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है? अभी मैं दोबारा मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं क्वेश्चंस को देखूंगा, उस आधार पर मैं आऊंगा। मैं अभी दोबारा इस पे या इस पे, रोम्बस पे, पैरेललोग्राम पे और ट्रेपीजियम में आने का कोशिश करूंगा। मतलब कि मैं इन तीनों में दोबारा आने का कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका कुछ कुछ एडवांस क्वेश्चंस होता है, एडवांस क्वेश्चन जहां पर आप लोग फंस सकते हो, वो मुझे सिखाना है। लेकिन लेंदी प्रोसेस होगा थोड़ा सा, ठीक है? मैं क्विक रिवीजन करके भी बढ़ूंगा आगे, पहले क्वेश्चंस को मैं फ्रेम कर लेता हूं, ठीक है? वैसे कल वाला चीजें याद है ना? ठीक है, चलो, कल वाला चीजें याद रहना जरूरी है। नहीं याद रहेगा कोई फायदा नहीं है। इस पेपर में होगा नहीं मुझे लगता है, उम्मीद है। नहीं होगा तो मैं फिर दूसरी जगह से लाके दूंगा, ठीक है? ठीक है, देखता हूं एक बार। इसमें मेंसुरेशन में क्या है कि ये 2D 3D मिक्स्ड है इसमें। मैं इस पीडीएफ से हटाता हूं, क्योंकि इसमें मुझे मालूम है जीडी लेवल है, तो उतना अच्छा लेवल का क्वेश्चंस नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है? मैं दूसरे पीडीएफ से लेता हूं, लेकिन हिंदी में रहेगा, मैं उसको समझाने का कोशिश कर दूंगा। देखो, ये एक क्वेश्चन है,
ओके क्या बोला गया है? यहां पर बोला गया है, एक बार समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या बोला गया है, मैं रिवीजन भी हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जीडी लेवल पे नहीं मिल रहा है इसलिए मैं, ये तो मिल जाएगा लेकिन इसके बाद वाला जो दूंगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जीडी लेवल का ही क्वेश्चन है। इसके बाद वाला जो दूंगा वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, ध्यान से सुनना। यहां पर बोला गया मैं, यहां पर बोला गया समांतर चतुर्भुज। मुझे भी थोड़ा हिंदी नाम में कंफ्यूजन होता है इसीलिए हिंदी नाम खोजना पड़ता है। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। एक बार पैरेललोग्राम को याद दिलाता हूं, ठीक है, एक बार याद दिलाता हूं। इधर देखना, याद दिला दे रहा हूं, क्या टेंशन किस बात का। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, इस वाले फिगर को बोलते हैं पैरेललोग्राम। देखने में रेक्टेंगल का तरह है, देखने में रेक्टेंगल का तरह है, आयत का तरह है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये टेढ़ा होता है। क्लियर है बात? ये क्या होता है बाबू? टेढ़ा होता है। क्लियर है? ओके। इसका इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई। इसका इसमें ये चीज मत लगा देना, लंबाई गुना चौड़ाई मत कर देना। फिर इसका क्षेत्रफल, इसके बारे में थोड़ा और सुन लो, इधर सुन लो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक बराबर होता है और एक दूसरे के पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। समांतर का मतलब समझाया हूं ना? पैरेलल होता है, समान अंतर, पैरेलल, ठीक है। और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक जैसा होता है और ये भी क्या होता है? समानांतर होता है। क्लियर है? इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका एक सिंपल सा तरीका बताया था, बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसको बेस बोलूं और इसको मैं क्या बोलूंगा? हाइट। ये सिंपल सा तरीका है, ये मैं लिखवा चुका हूं ये फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में आता हूं, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी ये है, ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। एक ठो भुजा कितना है? मतलब इन ऐसे तो चार ठो भुजा है, एक ठो मैं मान लेता हूं नीचे वाला कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है? और संगत भुजा की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो संगत भुजा है, मतलब इसके जैसे जो संगत में है, इसका जैसा सेम टू सेम जो है, उसका ऊंचाई कितना है? 5। आपको बताना है क्षेत्रफल। क्या नहीं बता पाओगे? सिंपल सा चीज है। कैसे? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 15 गुना 5 कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला से बन गया, कोई तकलीफ नहीं था इसमें। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ इसके बाद वाले में होगा, यहां तकलीफ नहीं है, आगे वाले में तकलीफ है। बढ़ू आगे? ओके। ये हुआ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये वाला। चलो इसको बनाओ। इसको बनाओ। फंस गए? फंस गए क्वेश्चन में? हाँ, फॉर्मूला नहीं लिखाया? अरे रुको तो सही गुरुदेव, फंसे कि नहीं फंसे? फंस गए। चलो मैं बताता हूं, इधर रुको। अब जब मैं सिखा रहा हूं तो अपना कलम को शांति से रख दो। कल मैं इसीलिए बोला था कि आने के लिए आज,
क्योंकि आज मैं खत्म करता। इधर सुन लो अच्छे से, इसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में पैरेललोग्राम। ठीक है, ध्यान से सुनते हुए रहना। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम क्या बोल रहा है? समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। मतलब कि संलग्न भुजाएं का मतलब क्या है कि एक जैसा जो है, एक तो 11 है और एक तो 13 है, तो मैं इसको मान लेता हूं 13 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, राइट। और एक तो 11 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया जी, समझ में कि नहीं आया? आया, ओके। अब आगे क्या बोलता है, विकर्ण के बारे में बोलता है। विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या नाम से जानते हैं? डायगोनल नाम से जानते हैं। बोला गया इसका एक ठो विकर्ण है, इसका विकर्ण कितना ठो बन सकता है? दो ठो, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर, हाँ या ना। इसमें से एक ठो विकर्ण है जिसका जिसका लंबाई कितना है, मतलब एक ठो जो विकर्ण है उसका लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये दे दिया। अब आपसे क्या पूछा, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। मतलब इसका जो ये दूसरा विकर्ण है ये कितना है ये बताओ, दूसरा विकर्ण आपको बताना है, निकालो। एक सेकंड ना, ओके इधर देखो, इधर देखो, मैं समझा दे रहा हूं अभी, ध्यान से सुनना। मैं आंसर पहले मैच कर लिया, आंसर ऑप्शन ए है 13.4। इधर सुनो, पहला चीज एक बात समझना, ये वाला ड्राइंग जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, इसका विकर्ण और इसका विकर्ण दोनों का क्या होगा, सेम। दोनों का विकर्ण क्या होता है, सेम। लेकिन यही फिगर को जब मैं ऐसे कर दूं, इसका विकर्ण और इसका विकर्ण सेम नहीं होगा। मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों का लंबाई अलग हो जाएगा, क्योंकि जब भी टेढ़ा हो जाता है तो डायगोनल बदल जाता है। ये बात पहले समझ लो, क्लियर है? तो ये मत सोचना कि
कि एक ठो वाला 20 है तो दूसरा वाला भी क्या होगा 20, क्लियर है। तो भैया कैसे निकाले, इसका एक फॉर्मूला है, जब भी सुन, अभी उतारने मत बैठ जाओ, इधर देखो इधर में, जब भी पैरेललोग्राम में आपसे एग्जाम में क्या पूछे, आपसे आप डायगनल पूछे, डायगनल अगर एग्जाम में पूछे तो एक फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, ये कर सकते हो, डायगनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगनल 2 का स्क्वायर बराबर होता है 2a² + b² (2a² + b² ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला से आप डायगनल निकाल, ये सब एडिशनल चीजें करा रहा हूं जो जीडी लेवल का बात नहीं है, जो ऊपर का लेवल का बात हो रहा है उसमें मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब भैया क्या करें इस फॉर्मूला से, इधर देखो, अब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इधर देखते हुए चलना। डायगनल 1 का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं डायगनल 1, यानी 20 का स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। डायगनल 2 का स्क्वायर मतलब दूसरा वाला हमें खोज के निकालना है, इसका स्क्वायर, ये वाला निकालना है हमें, दूसरा वाला पूछा है ना, निकालना है 2 का 2। a का मतलब क्या, ये वाला a हो गया और ये वाला क्या हो गया b, यानी 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, समझ में आ गया कहानी। अब सॉल्व करते हैं, 20 का स्क्वायर 40, 13 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, क्लियर है, ओके। 400 का 400 डायगनल का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर लो, कमान 200, इन दोनों को प्लस करोगे क्या हो जाएगा 290, 2 का 2 ब्रैकेट का मतलब गुना, ठीक है ना, ओके। डायगनल का स्क्वायर 2 गुना 290 580, ये 400 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -400, यानी 180 इक्वल्स टू डायगनल का स्क्वायर, क्लियर है कहानी, ओके। ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, यानी 180 का स्क्वायर रूट, क्लियर है कहानी, कोई तकलीफ, ओके। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, इधर देखना, 180 को ऐसे लिख सकता हूं, 9 गुना 20 180 होता है, 9 गुना 20 कितना होता है, 9 गुना 20 180 होता है, हाँ या ना। अच्छा 20 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 गुना 5, हाँ या ना, 9 गुना 4 36, 36 गुना 5 180, क्लियर, ओके। देखते हुए चलो, 9 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट, जानते हो नहीं जानते, रुको, इंटू रूट 5, ये 5 फंसा रह गया, 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकला, 9 का तो निकल गया 3, 4 का निकल गया 2, 5 का आपको मालूम नहीं है, हो गया यहां तक, यही आंसर है। अगर आपको ऑप्शन में 3 गुना 2 6 रूट 5 मिल जाए तो यही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब एग्जामिनर आपसे ज्यादा मेहनत कराना चाह रहा है। आप लोग को कुछ कुछ चीजें, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप लोगों को कुछ कुछ चीजें हमेशा याद होना चाहिए, थोड़ा 2-3 चीजें, इम्परफेक्ट स्क्वायर कुछ कुछ याद करके रखना हमेशा, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे सबको मालूम है रूट 4 कितना होता है 2 होता है, हाँ या ना, रूट 9 कितना होता है 3 होता है, मालूम है या नहीं ये सब बातें, ये सब चीजें आप लोगों को मालूम है, इन चीजों को बोलते हैं परफेक्ट, इन चीजों को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर रूट। लेकिन एक होता है इम्परफेक्ट, जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में निकल के आता है, क्या क्या, जैसे रूट 2 का मालूम है 1.414, तो आप 1.41 याद रखो काफी है, रूट थ्री 1.73, ये सब चीजें याद रखना, रूट 5 2.23, समझ में आया चीजें मैं जो बोल रहा हूं, तो आपको ये 3 चीजें हमेशा याद रहना चाहिए। अब देखो इसका जरूरत क्यों पड़ गया, क्योंकि हमें आंसर ऐसे दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो इधर में क्या हो जाएगा, डायगनल का डायगनल 6 का 6, रूट 5 का मान क्या हो जाएगा 2.23,
टू थ्री गुना करूंगा, छेतिया छेदुने बारह एक, छेदुने बारह एक, पॉइंट के पीछे दो जगह, 13.3 है, 13 पॉइंट कुछ है लगभग में, क्या है 13.4, आंसर वही है। समझ में आया कहानी? ये था क्वेश्चन, उतार लो। ये पैरेललोग्राम का डायगोनल निकालने का तरीका है, अगर एक ठोट बिकर्ण दे देगा दूसरा बिकर्ण कैसे निकालेंगे, ये तरीका है। इसीलिए पहले मैं ये सब चीजें नहीं बताया कि तुम लोग भागोगे फिर, इतना सारा फॉर्मूला, ये सब एक्सटेंसिव चीजें हो गया जो कि आपको अच्छा एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्या जाओ बाहर जाओ, ठंडा आ रहा है ना, थोड़ा कॉफी का प्रबंध किया गया है, अच्छा बना है। हो गया ये वाला, समझ में आया? आगे बढ़ू नेक्स्ट पे? कोई तकलीफ इसको नहीं समझ, किसी को नहीं समझ में आया? ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब पैरेलल का क्या निकालना पड़ेगा, अन्यथा यूज करने का दरकार नहीं है, ठीक है? वरना इसका क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला है, बेस इनटू हाइट। ये वहां पर पैरेललोग्राम में ऐड कर लेना ये फॉर्मूला। कब लगाना ये फॉर्मूला? डायगोनल के लिए, बिकर्ण निकालने के टाइम में, ठीक है? कुछ लोग उतार रहे हैं, उतारे। जीडी के लिए सब पढ़ के मत जाना, आगे बता दे रहा हूं, जीडी में काम नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, सीएचएसएल उसके ऊपर का एग्जाम दे रहे हो तब पढ़ के जाना, ठीक है? आगे बढ़ू, हटाऊ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। कुछ लोग उतारे जा रहे हैं, कैसा था? एक्चुअली हम लोग रात को 9-10 बजे तक यहां पर काम करते रहते हैं, तो हम लोग को जरूरत पड़ता है, इसीलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। से पैरेललोग्राम का क्वेश्चन, हा समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन, चलो ट्राई करो गाइस। पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। कोशिश करो बनाओ। क्या डायगोनल पूछा है? बिकर्ण पूछा जो फॉर्मूला लगाने बैठे हो गए? एक ठो दिया हुआ है, दूसरा भी तो नहीं दिया हुआ है। एक ठो दिया है, दूसरा भी, दूसरा तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या आपसे दूसरा पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, बिकर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? दिमाग लगाओ, आप लोग को आता है, इसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा।
निकाल निकाल मेरे भाई। बता दूं, इधर देखो, फिर से समझना। इधर में किसका क्वेश्चन आया है, किसका क्वेश्चन आया है? समानांतर चतुर्भुज का। क्या बोल रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है एरिया। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? एरिया। ध्यान से सुनते हुए चलो। जिसकी दो संलग्न भुजाएं 130 मीटर और 140 मीटर है। संलग्न भुजाएं मतलब क्या होता है, जिसका साइड 130 है और 140 है। मतलब बड़ा वाला को मैं 140 मीटर ले लिया और छोटे वाले को क्या ले लिया, ये 140 है तो ये भी। क्लियर है? अब क्या बोलता है, एक विकर्ण की लंबाई 150 मीटर है। एक ठो विकर्ण को आप ले लो, कितना, 150। क्लियर? अच्छा, आपसे एग्जाम में क्या पूछा, क्या पूछा गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसको ले लेते हैं 140 को, हाइट मालूम है भैया, ये 150 हाइट है पगला। हाइट इसको बोला जाता है, ऐसे को हाइट बोला जाएगा। क्या हाइट मालूम है? नहीं मालूम है तो ये फॉर्मूला लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। अब कोई बोल रहा भैया ये लगा लेंगे, डायगनल वन स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस डायगनल टू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पगला, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब आपको दूसरा वाला पूछ दे। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों फॉर्मूला आप लगा नहीं पाओगे, आप ये दोनों फॉर्मूला लगा नहीं पाओगे। तो कैसे निकाले क्षेत्रफल? बिल्कुल सही बात, सही बोली। इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, इसको देख रहे हो, ये ड्राइंग को देख रहे हो जो अभी बनाया। अगर मैं इसको तोड़ दूं, इसका दो टुकड़ा देखो, पहला टुकड़ा, हाँ या ना, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है? कल त्रिभुज सीखे हो, कल त्रिभुज सीखे हो, ट्रायंगल, कल ट्रायंगल में एक थ्योरम सिखाया था, हीरोन्स थ्योरम। हाँ हाँ, पेज पलटने का दरकार नहीं है, हीरोन्स थ्योरम कल सिखाया था। उस हीरोन्स थ्योरम में मैं आप लोगों को बताया था, अगर आपको तीन साइड का भुजा मालूम है तो क्षेत्रफल निकालना आपके लिए आसान है। हीरोन्स थ्योरम लगा करके इसका एरिया निकाल लो। चलो दिखाता हूं, इधर दिखाता हूं, पहले एस निकालते हैं, तीनों को प्लस, कम ऑन, हाँ, 400 भागा दो, 210। अब क्षेत्रफल, हाँ, पहले इसको लिखना होता है 210 को, अब 210 माइनस 130, कम ऑन, 210 माइनस 140, 210 माइनस 150, 60। क्लियर है? ठीक है ना? ओके, इधर देखो, मैं अच्छे से समझा रहा हूं। जीरो कितना तो दिख रहा है आपको, चार जीरो का कितना जीरो निकलेगा,
पहले दो तो जीरो को साइड में रख लो, ठीक है। अंदर में क्या क्या है, 21, 8, 7, 6, हाँ या ना, अंदर में क्या क्या बच गया, 21, 8, 7, 6। अब इधर देखो, 21 को मैं बोल सकता हूं 7 गुना 3, हाँ या ना, 21 का मतलब क्या होता है 7 गुना 3। 8 को मैं बोल सकता हूं 2 गुना 2 गुना, हाँ या ना, 7 को तो 7 ही बोलूंगा, 6 को बोल सकता हूं 2 गुना, बोल सकता हूं कि नहीं रवि, सही बोल रहा हूं ना। अच्छा 7 कितना टू है ब्रदर, एक टू निकल गया, 2 कितना टू दिख रहा है, तो कितना टू निकलेगा, 3 कितना टू है, तो एक टू निकला, सबको गुना, 7 गुना 2, 14, 14 गुना 3, 42 गुना 2, 84, और यहां पर दो टू जीरो जो था 8400। यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, अगर इसका क्षेत्रफल 8400 है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है 8400, अगर ये 8400 है तो ये भी कितना होगा, तो पूरा का क्षेत्रफल पूछा है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16800। समझ में आया कहानी, कभी कभी पैरेललोग्राम में आपको, कभी कभी पैरेललोग्राम में आपको हीरोन्स थ्योरम भी लगा करके क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, यानी ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया, समझाइए। ठीक है, ये लो, जिंदगी में इतना डिस्टर्ब कौन करता है तेरे को दोस्त, कोई काम नहीं आएगा। हो गया वाला, समझ में आ गया, हटा दूं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का ये 3-4 किस्म का क्वेश्चन बन सकता है, या तो परीक्षा में क्षेत्रफल पूछेगा, या तो बिकांड पूछेगा, क्षेत्रफल अगर हार्ड वाला पूछेगा तो ये वाला पूछ सकता है, बिना फॉर्मूला वाला पूछेगा तो ये पूछे, बिना फॉर्मूला का कैसे बनता है ट्राइंगल से, क्लियर है बात, समझ में आ गया, ट्राइंगल से भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। हटा रहा हूं, पैरेललोग्राम खत्म, देखता हूं नेक्स्ट और क्या एक्स्ट्रा जाया जा सकता है। समलंब किसको बोलते हैं भाई, ओ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में चल जाऊं, हाँ लो लो, पहले पहले कर एक बार ट्राई कर, समलंब में ट्रेपीजियम वो क्या है, साइड्स दिया हुआ है 24 मीटर 52 मीटर, और दूसरा साइड्स दिया है 26 मीटर और 30 मीटर, ट्रेपीजियम एक बार देख तो सही, देखिए ऐसा लग रहा है कि पहली बार देख रहा है ट्रेपीजियम को,
ओ तेरी, 900 कहां से निकाले, कैसे निकाले, कौन सा इनटू, वाह वाह वाह, टैलेंट का कमी नहीं है अपने देश में, टैलेंट भर भर के है। हाँ क्या सर, ये क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे आदमी को रुला देने के लिए, और ये क्वेश्चन जीडी में नहीं पूछेगा अपना, अगर पूछ दिया तो वो बेचारा रो देगा। वोल्टेज डाउन हो गया ना एक पल के लिए। हाँ वो वोल्टेज डाउन नहीं हुआ, मेरा हाथ से पंखा वो हो गया। ये क्वेश्चन तुम्हारा लाइक तुम मान कर चल सकते हो, ये सीजीएल के लिए काफी है। 1280, 283, भगवान जाने आप लोग कहां से निकाल रहे हो। हाँ क्या हाइट नहीं दिया है, ला हाइट नहीं दिया बोलता है लड़का। मैं एक सच बता रहा हूं, जो क्वेश्चंस आज करा रहा हूं ये सब एक हाई लेवल का है, आप लोग बिल्कुल ये सब घर में जाके प्रैक्टिस कर लेना और इसका नोट्स बना के रख लेना, ठीक है, आपको फायदा मिलेगा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं, कोई मैं नया फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, वही पुराना फॉर्मूला सभी यूज करूंगा जो सिखा चुका हूं। नया सी बात एक ही फॉर्मूला बताया, रोम्बस का वो वाला डायगनल, सॉरी पैरेललोग्राम का डायगनल वाला बताया, और कुछ नहीं बताया एक्स्ट्रा। कुछ लोगों को कैसे भी आंसर निकालने का मन है, बस निकाल देना है कैसे भी करके। कल कोई बोल रहा था मुझे कि भैया आप सीजीएल यूजीएल का नहीं पढ़वा रहे हैं, सीएचएसएल का नहीं पढ़वा रहे हैं। मैं उसको एक ही बात बोला, यहां पर स्टूडेंट लोग 2-3 का सही जवाब नहीं दे पा रहे, उन लोगों को सीजीएल पढ़वाऊंगा मैं, बता तो दूंगा, इसीलिए तो दिया हूं। यहां स्टूडेंट लोगों से ग्रेड सी ग्रेड डी का नौकरी निकल जाए वही बहुत काफी है, ग्रेड बी एक ए के बारे में सोच रहा था, अभी दिल्ली दूर है। छह सौ नब्बे मुझे पंकज को देख के मेरे एक दोस्त का याद आ गया। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो जब हम लोग स्कूल में जब एग्जाम होता था तो हम लोग जब 11-12 में थे, ऐसी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूं, क्लास 11-12 में थे तो हम लोगों का कंप्यूटर साइंस था, कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट था, और कंप्यूटर साइंस में हम लोगों का सिलेबस में था ब्लू जे, जावा स्क्रिप्ट, तब जाके सी, सी प्लस प्लस, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब था, और हम लोग को कुछ समझ में आता नहीं था। टीचर भी हम लोग का महान इतना अच्छा मिला था कि वो सिर्फ चिल्लाती थी, कुछ पूछने जाओ तो भी चिल्लाएगी, इसलिए कोई पूछता भी नहीं था कुछ नहीं। हम लोग को मार्क्स कितना मिलता था कंप्यूटर में बताया, 100 में 4,
103, हाईएस्ट मार्क्स जाता था 15-16, ये होता था। और सबको मालूम होता था कि हम लोग कंप्यूटर में फेल होने वाला है, सबको मालूम है, पूरा स्कूल को मालूम होता है कि क्लास 11 में अगर 80 बच्चा है दो सेक्शन मिला के, 80 में से 80 जन फेल होने वाला है, ये सबको मालूम था। तो उसमें हम लोग का दोस्त में से एक दोस्त था, जिस दिन कंप्यूटर का एग्जाम होता था ना, हम लोग सब एक दूसरे को देखते रहता था कि हम लोग को मालूम है कुछ आ नहीं रहा, कुछ तो पता चले कहीं से। तो एक दोस्त था हम लोगों का, पता नहीं क्या लिखता था, न जाने क्या लिखता था, सब कोई उसी को देखता था, लेकिन उसका भी मार्क्स 4 ही आता था। तो उससे हम लोग एक दिन पूछे कि तू लिखता क्या था, तो बोलता क्वेश्चन ही लिखते रहते थे। कंप्यूटर का एग्जाम का एक तो और एक तो अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्लास 12 में भी हम लोग कंप्यूटर साइंस था, क्लास 12 में बोर्ड्स होता था, जिस दिन बोर्ड्स का एग्जाम था क्लास 12 में हम लोगों का, उस दिन वेस्ट बंगाल स्ट्राइक था, वेस्ट बंगाल स्ट्राइक पड़ गया था, और कंप्यूटर का एग्जाम पूरा इंडिया में हुआ लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ था। तो हम लोग को तो ऐसे मालूम था, हम लोग तो ऐसे कंप्यूटर से डर रहे थे, तो हम लोग बैंगलोर उंगलोर में, मतलब बैंगलोर में फोन करके क्वेश्चन पेपर मंगवाए कि क्या पूछा था। भगवान जाने हम लोग कैसे एग्जाम दिए, हम लोग को 70-80 12 में आ गया कंप्यूटर में, ऐसा हुआ था हम लोग के साथ। एनीवे, चलो आगे बढ़ता हूं, इसको समझाता हूं। इधर देखना गाइस, इधर देखना, गाइस सुनना, इसको बोलते हैं ट्रैपीजियम, इसको बोलते हैं ट्रैपीजियम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, समलम्ब, ठीक है, समलम्ब चतुर्भुज, इंग्लिश में ट्रैपीजियम। अब क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनो, एक ट्रैपीजियम है जिसकी समानांतर भुजाएं, समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, और पैरेलल का मतलब इन दोनों में, यहां पर पैरेलल लाइंस बस ये दो होता है, क्लियर है। तो पैरेलल लाइंस कितना है, 24 मीटर और 52 मीटर, तो छोटा वालों को मैं क्या ले लूंगा और बड़े वाले को क्या ले लूंगा, कोई तकलीफ समझने में, ठीक है। अभी भी कितना भुजा बच गया है, क्या ये दोनों सेम होगा, ना, अलग अलग हो सकता है। क्या दिया हुआ है, इसकी दो अन्य भुजा है 26 और 30 है, मतलब एक तो 26 एक तो 30 है, ये 26 मीटर है और ये कितना मीटर है, 30 मीटर, क्लियर है, कोई तकलीफ, जो जो दिया है मैं लिख दिया। अब क्या पूछा है, इसका क्या बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका एरिया बताओ, क्लियर, याद दिलाता हूं, इसका क्षेत्रफल निकालने का बस एक ही फॉर्मूला था, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, यही फॉर्मूला और है, और कुछ लिखा ही नहीं, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। अब देखो, आप हाफ तो लिख दोगे, आप हाफ तो लिख दोगे, लिख पाओगे ना, ए प्लस बी, ए तो ये हो गया, बी क्या हो गया, ये वाला, भैया ये दोनों ए बी क्यों नहीं होगा, ये दोनों क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल समानांतर नहीं है, ये दोनों समानांतर है, यही लेना है। तो यहां पर आ जाएगा 24 प्लस 52, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट के जगह क्या बैठा हूं बताओ, हाइट तो इसको बोलते हैं, हां या ना, तो क्या बैठा हूं, मालूम ही नहीं है, मालूम होगा तब ना बैठाओगे, मालूम ही नहीं है तो क्या बैठाओगे, पता नहीं लोग कैसे बैठा लिए, आपको हाइट मालूम नहीं है, अगर हाइट मालूम होता तो आंसर निकल जाता कि नहीं निकल जाता, निकल जाता, क्लियर है। प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया,
दिक्कत कहां है ये समझ में आ गया, क्योंकि आपको हाइट मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेपीजियम का हाइट निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे भैया, कैसे निकालिएगा इसका हाइट, दिखाऊं इसका हाइट निकालने का तरीका। इधर देखो, हम लोग अब क्या करने वाले, ध्यान से देखना, ये चीज आपको सिखाना जरूरी है। हम लोग इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। मैं एक लाइन ऐसे करके बना सकता हूं, इमेजिनरी लाइन बनाया, ठीक है, और इसको मैंने तोड़ा चुपचाप देखते हुए। चलो ज्ञान मत बांटो, ज्ञान का देने का काम मेरा है। अगर ये लाइन 30 है तो ये भी कितना होगा, क्लियर है? अच्छा यहां इधर देखना, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है, 52 है, और यहां से यहां तक कितना है, तो ये भी कितना होगा, ये 30 है तो ये 30, ये 24 है तो ये, और यहां से यहां तक 52 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा, 52 - 24 कमान कितना होगा, 28, हाँ या ना। अब देखो आपको ये वाला जगह एक त्रिभुज की तरह नजर आ रहा है, हाँ या ना, और ये त्रिभुज का ये 26 है, ये कितना है, ये कितना है, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, हाँ या ना, निकाल सकते हो कि नहीं, तो निकालो ना। पहले क्या निकालोगे, एस, कम ऑन, एस कितना निकला, सबको जोड़कर भागा दो, सबको जोड़कर भागा दो, सबको जोड़ो भागा दो करो, कितना आ जाएगा बाबू, 42, क्लियर है, ठीक है, सबको जोड़कर भागा दो करोगे तो कितना आ जाएगा, 42। अब क्षेत्रफल कम ऑन, सबसे पहले 42, 42 माइनस 26, वेरी गुड, 42 माइनस 30, 42 माइनस 28, हाँ 14, इसका स्क्वायर रूट कम ऑन, मैं बोल सकता हूं 42 को 7 गुना, हाँ या ना, अच्छा 16 को मैं बोल सकता हूं 2 का पावर, हाँ या ना, तो 2 का पावर 4 में क्या अंतर है भाई, ठीक है, बाप रे बाप, ठीक है 4 × 4, अच्छा 12 को बोल सकता हूं 4 गुना, अच्छा 14 को बोल सकता हूं 7 × 2, ठीक है ना, ओके अब देखते हैं। अच्छा 6 को बोल सकता हूं 2 × 3, ये 6 को बोल सकता हूं 2 × 3, अच्छा अब देखना 7 कितना ठो, 1 ठो, 2 कितना ठो, 2 ठो है तो 1 ठो, 3 कितना ठो तो 1 ठो, 4 का स्क्वायर रूट 2, क्लियर है, इसको गुना करो काइंडली, कितना आया, इसको गुना करो 300, पक्का बोलो ना, पक्का 336 है तो, ठीक है, मैं आप लोगों के भरोसे बढ़ रहा हूं आगे। ये 336 क्या निकला गाइस, किसका, ये जी इसका क्षेत्रफल, हाँ या ना, इसका क्षेत्रफल, क्लियर, यहां किसी को तकलीफ है समझने में, कोई तकलीफ समझने में, विवेक समझने में कोई तकलीफ, यहां तक ठीक है ना, अब रुको, अभी क्या हाइट निकला, अपना मकसद क्या निकालना है, हाइट निकला तो आंसर निकल गया, हाँ या ना, तो अभी तक तो हाइट निकला नहीं, सोचो क्या करूं, ये पहला स्टेप था, अब दूसरा स्टेप लगाऊंगा, इधर देखो, दूसरा दिमाग बुद्धि लगाना पड़ेगा, ये पहला बुद्धि लगा लिया, अब दूसरा बुद्धि, अभी रुको, ये जो त्रिभुज है इसका ये साइड कितना था, ये साइड कितना था, इसका ये साइड कितना है, 28, राइट, हां या ना, अच्छा ये त्रिभुज का हाइट होगा कि नहीं होगा,
ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मालूम चल जाने से यहां लगा देंगे कि नहीं? अगर मुझे इसका हाइट पता चल गया तो यानी इसका हाइट पता चल गया, यहां लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा कि नहीं? अब रुको, त्रिभुज के कल के क्लास में मैं क्षेत्रफल का और एक फॉर्मूला लिखाया था, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, याद है? समकोण त्रिभुज में, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? तो मैं ये ट्रिक लगाऊंगा, इधर देखो, इधर रुको, अभी अभी, अब रुको, इसका क्षेत्रफल निकालने का और एक तरीका है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अच्छा, क्षेत्रफल अभी अभी खोज के निकाला ना हम लोगों ने, कितना निकाला? 336 बराबर आधा बेस, बेस कितना है? 28 इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है? अब देखो सॉल्व करेंगे, 336 गुना 2 भागा 28 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसको सॉल्व करो, परपेंडिकुलर निकलेगा, निकालो जल्दी, कितना? 22, 24 आया, इसको काटाकुटी करोगे तो आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना? 24, यानी इसका परपेंडिकुलर कितना है? 24, अगर इसका परपेंडिकुलर 24 है तो इसका भी परपेंडिकुलर हाइट कितना है? बस हाइट का जगह लगा दो 24, सॉल्व करो, आंसर मैच कर जाएगा। समझ में आया? पहले हीरोन्स थ्योरम लगा के एरिया निकाला, फिर से ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के क्या निकाला? हाइट, ट्रेपेजियम में डाला, आंसर आ गया। तुम्हें क्या लगता है जीडी में पूछेगा? 912, ठीक है, लगा देना बाबू, यहां पर आंसर आ जाएगा 912। समझ में आया? क्या लगता है ये लेवल देख के क्या लगता है, जीडी का क्वेश्चन है? हाँ, जीडी में इतना आसान पूछेगा? जीडी में नहीं पूछेगा इतना, तीन स्टेप का कैलकुलेशन है, जहां पर आपको हीरोन्स थ्योरम भी लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है कितना चीजें जा रहा है? एक क्वेश्चन के अंदर में तीन तीन चीजें दिमाग लगाना पड़ रहा है आपको, तो ये ऑब्वियस बात है, ये छोटा मोटा लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? समझ में आया ये वाला? तो यही सब एक्सट्रीम क्वेश्चन है जो मैं कल बात कर रहा था, ये सब बताऊंगा, ठीक है? क्या बोला जा रहा है? जो अब वो उनका प्रॉब्लम है भाई, हो सकता है जरूरी काम होगा कुछ, कल पूछ, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा तो जरूरी काम ही बताएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ए हीरो लोग क्या कर रहे हो इधर? मैं एक बार क्वेश्चन करण के लिए बता देता हूं, फिर करण बोलेगा भैया नहीं समझ में आता है क्या क्या होता है। करण, सम चतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस, क्या मतलब होता है रोम्बस? इधर देखो, रोम्बस, रोम्बस देखने में जे, इसको बोलते हैं रोम्बस, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये रोम्बस है। रोम्बस का खासियत चारों भुजा, वेरी गुड, चारों भुजा बराबर, दोनों बीकन बराबर नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक रोम्बस है, इसका क्षेत्रफल बताना है, क्या बताना है?
इसका क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, आधा गुना डायगनल वन इंटू डायगनल टू, ये फॉर्मूला है। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। अब सुनो क्या बोल रहा है, जिसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर, मतलब ये भुजा कितना है, ये 13 है तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये बताने वाला बात है। एक भुजा 13 है तो बाकी सब भी क्या होगा, 13 13 13 होगा। अब क्या बोलता है, और इसके एक बिकन की लंबाई कितना है, एक ठो बिकन कितना है 24, दूसरा बिकन भी कितना होगा 24 नहीं होगा, कुछ और होगा, हाँ या ना। ओके, आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल। क्या ये, क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते, ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो क्षेत्रफल? क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आप आधा लिख दोगे, पहला बिकन तो 24 लिख दोगे, दूसरा कहां से लिखोगे, समझ में आ रहा है, दूसरा कहां से लिखोगे, दिया ही नहीं है। कहा नहीं लिखेगा तो क्या आंसर नहीं निकालेगा, निकालेगा। याद करो, तेरह तेरह 24, हीरोन्स थ्योरम, हीरोन्स थ्योरम से क्या निकलेगा इसका एरिया, जो निकलेगा डबल कर देना, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी, लगाओ, रास्ता तो दिखा दिया। हीरोन्स थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी है, डबल करना है, क्योंकि एक टुकड़ा का 90 निकाला, दूसरा टुकड़ा भी, हाँ ऑप्शन में 90 भी देके बैठा हुआ रहता है कि 13 से 2 3 तो मिल जाएगा उन लोग को, छाटने के लिए काम आएगा। ठीक है, समझ में आया, ये हीरोन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या का अलग नहीं होते छवा सब 120 अलग, ये छवा 180 बोला था, ये करो तुम लोग, ये पगली हीरोन्स लगा ना, कर 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 जल्दी कर। एक सौ बीस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसका आ जाएगा हीरोन्स थ्योरम लगा के इसका एरिया आ जाएगा 60। अगर इसका 60 आ गया तो ये भी कितना होगा, और 60 60 कितना हो गया, समझ में आ गया। इसीलिए मैं कल बोला था कि हीरोन्स थ्योरम सिखाने के बाद ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा, दोबारा मैं आऊंगा, ट्रेपीजियम में भी आऊंगा, रोम्बस में भी आऊंगा, पैरेललोग्राम में भी आऊंगा, समझ में आया। यही वो कॉन्सेप्ट था जो मैं कल नहीं बताया था और आज बताने लायक में था, उस दिन डायरेक्ट कराता तो तुम लोगों को समझ में आता नहीं आता। ठीक है, तो इतना ही रखो, इससे ज्यादा मत बढ़ो। मेंसुरेशन का 2D को मैं खत्म करता हूं, नेक्स्ट क्लास से 3D चालू करूंगा। ठीक है, इसके आगे मत बढ़ो अब। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी रहेगा।